Hello everyone, this is Deepshikha and today we are going to discuss the poetic devices used in the poem The Road Not Taken by Robert Frost. Let's start the poetic devices with stanza 1. First is rhyming scheme. Rhyming scheme yahan par hai AB AAB. Rhyming scheme ke liye hum har line ka last word dekhte hain. Would, both, stood, could, undergrowth. Would ka jo rhyming hai wo match kar raha hai stood and could se aur both ka jo rhyming hai that is matching with undergrowth. तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए ए बी. सेकेंड इज सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म इज द यूज ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाई गिविंग देम सिम्बोलिक मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल सेंस. सिम्बोलिज्म में यूज किया जाता है सिम्बल्स को किसी चीज के आइडियाज या क्वालिटीज को शो करने के लिए. जैसे हम बोलते हैं रेड इज अ सिम्बल ऑफ लव, रेड इज अ सिम्बल ऑफ डेंजर, व्हाइट कलर इज अ सिम्बल ऑफ पीस. तो वैसे ही यहाँ पर टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यहाँ पर टू रोड्स जो हैं, दे सिम्बलाइज चॉइसेस इन लाइफ. नेक्स्ट इज एनाफोरा. एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस. किसी भी वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना नेक्स्ट सेंटेंस या क्लॉज में, सो दैट्स कॉल्ड एनाफोरा. लाइन नंबर 2, 3, 4 में देखिए, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्गेस्ट and look down one as far as I could. तीनों ही sentence and से start हो रहे हैं, and का repetition हो रहा है, that's why it is anaphora. Next is enjambment. Continuation of a sentence into two or more lines in a poem without using any kind of punctuation, that is period or comma. Period means full stop or comma. जब एक ही sentence continue हो रहा है दो या तीन lines में और उनके बीच में कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा का यूज नहीं है, सो दैट्स कॉल्ड एंजैबमेंट. अगेन यू कैन सी लाइन नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों ही लाइन एक ही सेंटेंस है जो कंटिन्यू हो रही है नेक्स्ट में, और यहाँ पर लास्ट में आप देखिए कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं है. नंबर 5 वी हैव इमेजरी. इमेजरी मीन्स टू यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एक्शंस एंड आइडियाज इन सच अ वे दैट इट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंसेस. किसी भी बात को, किसी भी आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस को फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज करना ताकि वो हमारे फिजिकल सेंसेस को अपील करे, ताकि हमें उसका इमेजिनेशन होना फिर से स्टार्ट हो जाए. जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि यहाँ पर दो रोड्स हैं और वो डाइवर्ज हो रहे हैं, वो फॉक हो रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं इन अ येलो फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं. तो जब भी हम किसी ऐसी बात को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में इमेज बनना क्रिएट होती है, तो उसी पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं इमेजरी. इन स्टेंजा 2 फर्स्ट वी हैव राइमिंग स्कीम. इट इज अगेन ए बी ए ए बी. यू कैन सी द लास्ट वर्ड्स फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम. तो फेयर, वेयर एंड देयर इन तीनों का राइम सेम है, क्लेम और सेम का राइम सेम है, सो इट इज ए बी ए ए बी. सेकेंड वी हैव सिमिली. अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपेरिजन शोइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज. जब दो चीजों का कंपेयर करने के लिए, उनकी सिमिलैरिटीज शो करने के लिए लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, देन इट इज सिमिली. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ फ्लावर. वो एक फ्लावर की तरह सुंदर है. ऐसे ही हमारे यहाँ पर लाइन नंबर 6 में आप देख सकते हैं देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. तो एज और एज वर्ड का यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सिमिली. नंबर 3 इज पर्सोनिफिकेशन. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग, एन आइडिया और एन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. यहाँ पर कोई भी चीज को, किसी आइडिया या एनिमल को ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी जाती हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. उसे पर्सन की क्वालिटीज दे दी जाती हैं. लाइन नंबर 8 वी कैन सी बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. वो ग्रासी था और वांटेड वेयर मींस वो चाहता था कि उस पर कोई ट्रेवल करे, एज इफ द रोड इज अ ह्यूमन एंड वॉन्टेड टू बी ट्रेवल्ड. यहाँ पर रोड की बात की गई है लेकिन रोड के लिए वर्ड यूज किया गया है वॉन्ट. वॉन्ट वर्ड इज जनरली यूज फॉर ह्यूमन्स. तो यहाँ पर इस तरीके से शो किया गया है कि वो चाहता था कि उस पर कोई चले, दैट्स वाई इट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज एलिटरेशन. एलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. स्टार्टिंग में वर्ड्स के कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है अगर, तो इट इज एलिटरेशन.
लाइन नंबर 8, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर में व साउंड इज रिपीटेड. एंड लाइन नंबर 9, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो दैट द देयर, यहाँ पर द साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज एलिटरेशन. इन स्टेंजा 3, राइमिंग स्कीम इज ए बी ए ए बी, लास्ट वर्ड्स ले ब्लैक डे वे बैक. सेकेंड इज एलिटरेशन, एलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यहाँ पर फ साउंड रिपीट हो रहा है, फर्स्ट फॉर, इसलिए यहाँ पर ये एलिटरेशन है. इन स्टेंजा 4, राइमिंग स्कीम इज अगेन सेम, ए बी ए ए बी, साय हेंस आय बाय डिफरेंस, साय आय एंड बाय, इन तीनों का राइम सेम है, दैट्स व्हाई इट इज ए ए ए, हेंस डिफरेंस बी और बी, ए बी ए ए बी. नेक्स्ट इज रेपिटिशन, रेपिटिशन इज व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन अ लिटरेरी वर्क, किसी भी पोएम में किसी भी प्रोज में जब वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को रिपीट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेपिटिशन. आप लाइन नंबर 17 देखेंगे, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यहाँ पर एजेस वर्ड जो है वो दो बार रिपीट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रेपिटिशन. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोम. आई होप ये पोएटिक डिवाइसेस आपको समझ आ गई होंगी. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. If you like the video, do hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon for more updates. Till then, take care. Bye-bye.